करो सलाम अलैकुम। कैसे सब व्यूअर्स, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। कैसे हैं आप सब? ठीक हो? किथे जा रही हैं? बाहर। किथे? जूती पाई, पाई। जूती पाई, कपड़े पाए, शापर से किथे चली हैं? चली किथे? बाहर। किंदे नाल? अमदा कोल चली। किंदे नाल चली? नीति नाल। अच्छा, इसकी स्टोरी सुने। नवीद आया हुआ ना लाहौर से, नवीद जा रहा है आज वापस। नवीद ने वो अपना बैग रेडी करके रखा। मारो बैग पे कैमरा जरा, उसका बैग देख देख के ना, तो अपने कपड़े शापर में डाल के फिर ये कह रही मैं लाहौर जा रही हूँ निधि के साथ, हमजा और लीजा के पास। ये बच्चे आते रहते हैं उनके साथ, इधर खेलती है ना। तू नहीं जाना लाहौर, चल खेल जाके इधर, तू लाहौर नहीं जाना। पाई जुती पता। सुना, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? दादी। किसकी बेटी हो? बोबो की बेटी। अच्छा, मेरी गाल सो, कितने लाहौर चल रही है? चल जा, चल जा, जा, जा। देखो बच्चों के साथ प्यार करो। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो इस पे है। एक हमें ये गिफ्ट मिला, ये हमने आता खाकू लिया, वैसे दिखाते हैं थोड़ा सा। वो नहीं हुए अद्धे तो भी ज्यादा प्या हो। अच्छा, ये सोन हलवा है, मरुंडा है, इसमें पिनिया है। ये हमें मिली थी कसूर से जब हम लाहौर गए हुए थे। मेरा बहनोई है शाजिया का मियाँ मजीद भाई, उन्होंने दी थी। उसके बाद ये देखें, इसमें अंदरस्ते हैं, पिनिया वगैरह, ये कुछ हमने खाए हैं। ये थे तो ज्यादा, मेरा हाल 6-7 डब्बे थे। मैंने थोड़े थोड़े इन डब्बों में निकाल लिए थे, बाकी मैंने दूसरे रिलेटिव में मैंने उधर भेज दिए थे। मैंने कहा साहब मतलब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, हमसे अभी तक ये भी नहीं खत्म हो गए। ये 3-4 दिन के आए इधर पड़े हुए, कुछ इसमें से खा लिया, क्योंकि मीठा साहब बहुत कम खाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक गिफ्ट है जी, वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं, और आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है? और गिफ्ट कहाँ से कैसे आया वो भी बताएंगे। ये है खादी का है ड्रेस है, इसमें मैं आप सबको दिखाती हूँ, और साथ साथ ये भी बताती हूँ कि नवीद आया बस 2 दिन, आज जा रहा है। खड़खड़ ना करो नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगी सुम्मा शहजादी। हाँ, चुप करके खड़ी रहो इधर। तो कलर भी मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, ठीक है? ये इसका ट्रोजर है जैसे कि सिंपल, ये देख लें, शॉपर में डाल देते इधर दाग दूग ना लग जाए मिठाइयाँ वाले डब्बिया तो। अच्छा, अभी मैं देखती हूँ शर्ट कौन सी है, दुपट्टा कौन सा है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा ही नहीं इसको, मैंने अभी खोला है तो अभी मैं इसको देख रही हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल में ये शर्ट है। अच्छा, ये शर्ट है जैसे कि आपको पता है कि खादी के डिज़ाइन ऐसे लाइनिंग लाइनिंग वाले होते हैं, ये ऐसे ही बनेगी इस तरह से, ये लाइनिंग इसकी ऐसे आएंगी। रख के दिखा दिया कैसा लगा, और इसको मैं ज़रूर पहनूंगी। मुझे कोई कोई भी चीज़ अपनी खुशी से गिफ्ट कोई देता है, मैं वैसे मुझे गिफ्ट पसंद भी बहुत आता है, मैं गिफ्ट लेती बहुत कम हूँ, ज़्यादा मैं देने के चक्कर में रहती हूँ, इसलिए कि जो मुझसे छोटे हैं ना कोई रिलेटिव भी, तो मेरे कजने कुजने, उन छोटों से गिफ्ट लेना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि बड़ों का काम होता है गिफ्ट देना, ठीक है? फोन के बेल हर व्लॉग में आती है, अब क्या करें हम, यूट्यूबर है, किसी न किसी की काल तो फिर आई रहती है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, ठीक है? ऐसे बॉर्डर है इसके ऊपर, बहरहाल अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैं लाहौर में गई थी, बल्कि पीछे उनका व्लॉग भी मेरे साथ आया हुआ था, हमारा चैनल वालों का, उनके घर में गई थी तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया, मुझे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह जल्दी ही इसको मैं सिलाई करके पहनूंगी और आप सबको दिखाऊंगी भी कि ये देखे मैंने पहन लिया है, ठीक है? इनके चैनल का लिंक जो है ना, अभी फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि चैनल पे जाएं, इनको भरपूर सपोर्ट करें आप लोग, क्या इनको सपोर्ट करें, इनको भी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है? तो उन्होंने अपनी खुशी से मुझे दिया, मैं नहीं ले रही थी, बल्कि मेरा हस्बैंड भी इस बात से मुझे कह रहा था कि रहने दो। मैंने कहा अब एक बंदा खुशी से कुछ चीज दे रहा है, अगर आप नहीं लेते तो भी अगले का दिल टूटता है कि पता नहीं इसने क्यों नहीं ली, या इसको पसंद नहीं आई, या इसके अंदर तकब्बर या गुरूर है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मुझे कोई खुशी से मुझे 10 रुपए की चीज भी देगा ना, तो मेरे लिए वो भी लाखों की है, ठीक है? मुझे खुशी होगी इस चीज से। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी को कोई गिफ्ट दे या कोई चीज दे फिर ही उसकी वैल्यू होती है या इज्जत होती है या मैं उसका काम करूंगी, नहीं नहीं, मैं फीस भी लिल्ला कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही करूंगी। और आप भी, आपने मुझे खुशी से दिया, मुझे बहुत खुशी हुई है, तो बहुत अच्छा है आपका गिफ्ट, मैंने आज देखा है, सिलाई करके पहनूंगी। तो अभी जनाब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और जाएंगे नवीद को छोड़ने, तो देखते हैं फिर कहाँ कहाँ जाते हैं, ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है?
हाँ जी, तो कह रहे हम जा रहे हैं लाहौर। हम नहीं जा रहे, आप जा रहे हो। मैं आपको यानी कि मैं जा रहा हूँ नवीद को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग अड्डे पे। इसका पापा आएगा, फिर इसको उस गाड़ी में बैठाना है उसके पापा के साथ, ठीक है। मैं और चौधरी साहब, चौधरी साहब आगे खड़े हैं अपने ऑफिस के बाहर, कह रहे थे उधर रश है। मैं आता हूँ इस तरफ तो गाड़ी में बैठ के, जो कह रहा बैठो आप लोग, मैं दो मिनट में आया। तो हम गए हैं जी बैठ, अभी नवीद को छोड़ते हैं, फिर जो है ना मैंने बाज़ार भी जाना है, कुछ लेना है, तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। सांस फूल गई वहाँ से यहाँ आने में, इतनी मेरी सांस फूली, पिछले दिनों खांसी हुई हुई थी तो ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ कहना चाहती हो? क्या कहूँ, जो मर्जी कहो। मुझे तो पता नहीं क्या पता है, अंदर बैठे बैठे मेरी ये जगह सख्त दर्द सी होगी। अब बाहर की रोशनी पड़ी है ना, ये जो हम लोग अंदर लैटिंग में रहते हैं ना, इससे मेरे ख्याल में नजर पे और सर में इतना पड़ता है ना, सर बहुत ज्यादा। तो चलें जनाब निकलते हैं हम फिर। अब टिकट ले ली है ये नवीद की हमने, ठीक है, अभी इसको बिठाएंगे। उससे पहले मुझे लगी थी बहुत जोर की भूख, नवीद को लेके दिया सेवर, मैंने लेग पीस खा लिया, अब खा ली हड्डी रह गई। और मैं शामी कबाब खा रही हूँ। मेरा भी खा लिया आपका कबाब, मैं ये खाई जानी। खाना है आपने तो पकड़ो फिर, अपनी डॉन वाली आवाज तो मेरे व्यूअर्स को सुना दो जरा। अरे सलाम अलैकुम करो ना, थोड़ा जोर से करो, उधर कैमरा उधर नहीं करना, जोर से करो ना, सलाम दो तो करो चोई साहब। इतनी स्लो आवाज ही नहीं जानी। आई मेरे मियाँ की, अभी इतनी जल्दी नहीं आना इसने सामने, आ मुंह दिखाई दो पहले। बाद में आएगा, पहले मुंह दिखाई। भाई इसकी शर्त बहुत बड़ी है वीडियो में आने की, देखते हैं क्या होता है। चलो जैसे कि मैंने बताया था पहले, मैं ये लेके गई थी, बहुत कंफर्टेबल थी। आज मैं उसी का दूसरा ब्लैक कलर लेने आई थी, वो नहीं मिला, लेकिन मुझे ये वाला ब्लैक मिल गया, ये भी बहुत अच्छी है। अभी मैं ये ले रही हूँ, ये साड़ी लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी प्यारे डिज़ाइन है, लेकिन वो साइज़ का मसला है कि मुझे साइज़ जो नहीं आ रहा, लेकिन एक ये आ गया मुझे, ये मैंने ले लिया अभी यहाँ से ना, हश पपीस F6 में है ना ये, F6 में। हश पपीस दुकान अच्छे से आ गई, टोटल मेडिकेयर, लेकिन मेरे साइज का मसला होता है। बहरहाल मुझे एक और मिल गई मेरे साइज की, चलो 6 महीने गुजर ही जाए। हाँ जी, तो नवीद को बिठाया, उसके बाद चौसा मुझे कहाँ लेके आए, डिनर पे। ऊपर ऊपर किधर आ रहे हो? F10। तो यहाँ ये कौन सा है ये, और खाने में क्या है वो दिखाओ, जल्दी करो, ठंडा हो रहा है खाना है, अच्छे से दिखाओ जरा। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी डिनर, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं कंट्रोल। जहाँ मिसेज बोले लेके जाओ ना, मिसेज को, मिसेज का तो पूरा हाथ होता है अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है कि नहीं। ये नहीं है कहीं, कभी इधर बहाना तो कभी उधर बहाना। जब भी कहीं भी खाना लेते हैं हमसे हाफ खाना बच जाता है, ये देख लें, नान भी उसी तरह पड़ा हुआ, इतना ही खाया है, थोड़े से चावल खाए, थोड़ा सा ये खाया, ये देखो ये मिंट शेंट, अब ये वाला पैक कर। जी तो व्यूअर्स, खाना लिया, खा, मुझे लगी बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी, जो ऐसा बैठे उधर ही बिल देने के लिए, ये देख लें उनकी सीट खा ली है, बिल दे के आते, मैं तो फटाफट गाड़ी में आ गई भाग के, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, एकदम ठंड लगी। खाना खाने के बाद मैं ये मिंट पी रही थी, फुल जमा बर्फ बनी, थोड़ा सा पिया तो कंपनी शुरू होगी। अब मैंने रख दिया गाड़ी में, थोड़ा सा इसको गर्म हो जाए फिर पीऊंगी। ये मैंने लेना नहीं था, मैंने इसलिए ले लिया, मैंने कहा थोड़ा सा हाजमेदार होता है ना, करवा लिया पैक। हाय निकल गई बस। पीछे चीजें रख रहे हैं गाड़ी में, जो खाना पैक करवाया था वो। चलें अभी निकलते हैं यहाँ से, और खाना पड़ा तो होके लिया, ठीक है। अच्छा तो व्यूअर्स मैं पहुंच गई हूँ घर, टोकरी भी नहीं चाड़नी उनसे। अच्छा वहां से मैंने कैचर लिया, ये देखे डिपार्टमेंट से मिल ही नहीं रहे थे सही, मुझे थोड़े से बड़े वाले चाहिए थे, 3-4 मैंने ये ले लिए, ठीक है।
ये भी लेते, एक तो मैंने लेके फौरन लगा लिया, और जो जूती मैंने आपको लुमा में लेते हुए मैंने दिखाई थी ना, ये देखें, इसका ये है कि इसकी ये चीज़ें ना जो जो इसके अंदर, ये देख लीजिए नज़र आ रहा है सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप, ये फुल मेडिकेयर और नरम मुलायम। पैरों में मैं पहनती हूँ, मेरा वजन साफ लगा लें कितना है, पहले जो मैं एक लेके आई हूँ ना वाइट वाली, तो अब मैंने सोचा ये भी मतलब कंफर्टेबल मिलती नहीं, इसलिए मैंने जाके ये ली स्पेशल, मैंने लाहौर ही सोच लिया था कि जाके मैंने लेनी है। मिंट मंगरीटा मेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इधर ही पड़ा हुआ है, और क्या, वापसी पे आते हुए मम्मी के लिए दवाई ली, एक ये पर्स लिया छोटा, ठीक है। बस आज का व्लॉग जो है इसको मैं इधर ही करूँगी एंड, आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।